सभी को भाव भरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है योग मठ। योगाभ्यास के लिए हमारे भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और उसे अपने ग्रंथों में सूत्रबद्ध रूप से लिपिबद्ध किया, जिनमें सर्वप्रथम आता है उचित स्थान, जिसे योग की भाषा में योग मठ कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा ऊंची हो, हम ऊर्जा से संपन्न बने। कहा भी गया है योग शास्त्र में, प्राण यति जीव यति इति प्राणः, अर्थात हम उस प्राण को अपने अंदर अधिक से अधिक संवर्धन करें, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करें। इसके लिए सर्वप्रथम उचित स्थान की आवश्यकता बनी गई है, कही गई है। बहुत सारे हम भारतवर्ष में देखते हैं या विभिन्न स्थानों पर देखते हैं, मंदिर बने हुए हैं, हमारे तीर्थ स्थल है जहाँ व्यक्ति जाते हैं और दिव्य ऊर्जा से लबालब होते हैं। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे, योग मठ। योगाभ्यास में उचित स्थान, योग मठ के साथ साथ समय ऋतु का भी बहुत अधिक महत्व है, जिसका वीडियो आप हमारे योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल पर देख सकते हैं। इस चैनल पर विभिन्न तरह के योग संबंधित, चिकित्सा संबंधित वीडियो हम लेते आ रहे हैं और आगे भी लेकर आएंगे। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अब हम आज का जो हमारा विषय है योग मठ, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है, लेकिन महत्वपूर्ण चार लोग, जैसे सबसे पहला है विद्यार्थी जो योग का अभ्यास कर रहे हैं, योग अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। दूसरा है उच्च विद्यार्थी जो नेट जीआरएफ कर रहे हैं, उच्च श्रेणी पर योग के कार्य कर रहे हैं, पीएचडी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही लाभकारी है। साथ ही तीसरे वर्ग के जो योग साधक है, जो योग के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ग्रंथों के अनुसार महर्षि घेरण ने अपने घेरण संहिता में जो भी बताया है उसको बहुत ही सूत्रबद्ध लिपिबद्ध करके यहाँ संक्षिप्त रूप में बतलाया गया है। तथा जो चौथे हैं, जो सामान्य जन है और जो जिज्ञासु है, वह भी इस वीडियो से बहुत अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और लास्ट में प्रश्नोत्तरी माला भी है, उसको जरूर हल करें, इसलिए उस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके भी दे सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं योग मठ। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है प्लेस फॉर हठ साधना। योगिक ग्रंथों में इसे योग मठ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे योग मठ क्या है, योग मठ कहाँ बनाया जाना चाहिए, योग मठ कहाँ न बनाए, साथ ही योग मठ कैसा हो, इसकी रूपरेखा कैसी हो, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। सर्वप्रथम योगाभ्यास में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि निम्न है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पहला उचित स्थान, जिसे हम योग मठ के नाम से भी जानते हैं। महर्षि घेरण अपने घेरण संहिता में विभिन्न योग सूत्रों को बतलाते हुए योग मठ की विस्तार रूप से चर्चा करते हैं तथा साधक को एक सुंदर धार्मिक स्थान में कुटी निर्माण कर उसके अंदर अभ्यास करने का निर्देश भी देते हैं। इसी के साथ समय ऋतु की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसका वीडियो हमारे योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल पर आप देख सकते हैं कि किस ऋतु में किस साधक को साधना प्रारंभ करनी चाहिए, ऋतुओं का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। साथ ही आहार
मिताहार की भी आवश्यकता होती है। अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण पहला बिंदु है उचित स्थान योग मठ की चर्चा करते हैं। साधनात्मक जीवन में स्थान का विशेष महत्व है। स्थान बहुत अधिक महत्व बताया गया है क्योंकि वहाँ प्राण ऊर्जा जीवन ऊर्जा का संचार बहुत अधिक होता है। इसलिए हमारे प्राचीन भारतीय योग परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे स्थानों का चयन किया जहाँ उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव था। अब हम सब महत्वपूर्ण विषय योग मठ क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों जैसे घेरण संहिता में महर्षि घेरण, हर प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम सूर्य जी, गोरख संहिता में गुरु गोरखनाथ जी अपने इसमें लिखते हैं कि वह स्थान जहाँ पर मन की निम्नगामी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है वह स्थान योग मठ कहलाता है। गीता में अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से भी कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम, हे योगेश्वर यह मन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा निम्नगामी है, इसे हम किस प्रकार से ऊपर उठाएं। तो तब योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से इसे ऊपर उठाया जा सकता है। तो इसके अभ्यास के लिए भी हमें एक ऐसे स्थान का चुनाव करना पड़ता है जहाँ मन की निम्नगामी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके, वही स्थान योग मठ कहलाता है। अब आइए योग मठ का अर्थ क्या बताया है। वह स्थान जहाँ से साधक साधना प्रारंभ करता है। यदि हम योग मठ को गहराई से देखें तो योग मठ दो शब्दों से मिलकर बना है, योग धन मठ। अब हम योग को समझ लें, योग के विभिन्न वीडियो हमारे चैनल पर आप देखते आ रहे हैं। योग का अर्थ है जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संकल्प पूर्वक किया गया कार्य ही योग कहलाता है। और मठ का अर्थ होता है जहाँ मन का ठहराव हो, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सके वही मठ कहलाता है। तो इस तरह से यदि हम दोनों को जोड़ें तो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संकल्प पूर्वक किया गया कार्य, इसके साथ ही जहाँ मन का ठहराव हो अर्थात हमारी चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो सके वही योग मठ कहलाता है। अब हम प्रश्न आता है कि योग मठ कहाँ बनाया जाना चाहिए। तो महर्षि घेरण घेरण संहिता में उनके शिष्य राजा चंडकपाली से पांचवे अध्याय जिसे प्राणायाम प्रकरण भी कहा जाता है, पांचवे अध्याय के पांचवे श्लोक में महर्षि घेरण कहते हैं सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे कृत्वा तत्रेकं कुटीरं प्राचीरे परिवेष्टितम्। यदि हम इस पूरे श्लोक को थोड़ा थोड़ा करके संधि विच्छेद करके देखें तो यह पहला जो शब्द आता है सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे, अर्थात ऐसा सुंदर धार्मिक स्थान जहाँ भोजन के लिए खाद्य पदार्थ सहजता से उपलब्ध हो वहाँ योग मठ का निर्माण करना चाहिए, ऐसा महर्षि घेरण अपने ग्रंथ घेरण संहिता के पांचवे अध्याय के पांचवे श्लोक में कहते हैं। साथ ही कहते हैं वहाँ किसी प्रकार का उपद्रव ना हो और कुटीर के चारों तरफ चार दीवारी हो ताकि जो भी योगाभ्यास करने वाले योग साधक हैं वह शांत मन से अपने भोजन के लिए जो खाद्य पदार्थ है उन्हें सहजता से उपलब्ध हो तथा किसी भी प्रकार का आवागमन न हो, जंगली जानवरों का भय न हो, इस हेतु कुटीर के चारों तरफ चार दीवारी का निर्देश दिया गया है। हठ योग का जो दूसरा प्रमुख ग्रंथ है वह है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम सूर्य जी पहले अध्याय के 12वें श्लोक में बड़ी ही विस्तार से योग मठ की चर्चा करते हुए कहते हैं
कि योग मठ कहाँ बनाया जाना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए स्वामी सत्माराम सूरी जी कहते हैं, सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यंतम शीलाग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। यदि हम इसको हिंदी इसका देखें तो सुराज्य अर्थात श्रेष्ठ राज्य, धार्मिक तथा निरुपद्रव देश में जहाँ कोई उपद्रव ना हो, ऐसे स्थान में योग मठ का निर्माण किया जाना बहुत ही अधिक लाभप्रद होता है। साथ ही आगे कहा गया है, एक छोटी कुटीर बनाकर योगी को रहना चाहिए जिसके चारों ओर चार हाथ की दूरी तक पत्थर, अग्नि तथा जल ना हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने बात कही है। तो इस प्रकार से योग मठ बनाया जाना चाहिए ताकि योग साधक अच्छे से बहुत ही आनंदपूर्वक अपनी योग साधना कर सकें। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि योग मठ कहाँ नहीं बनाना चाहिए। तो राजा चंडकपाली ने महर्षि घेरण से पूछा कि योग मठ कहाँ नहीं बनाना चाहिए, तो महर्षि घेरण पांचवे अध्याय अपने प्राणायाम प्रकरण में तीसरे श्लोक में कहते हैं, दूर देशे तथा अरण्य राजधान्याजनांतिके योगारंभम न कुर्वित कृतश्चेति सिद्धिहा भवेत। अर्थात दूर देश में, अर्थात बहुत ही दूर देश हो जहाँ अनजान व्यक्ति रहते हैं, जहाँ विश्वास न हो किसी का, ऐसे दूर देश में कभी भी योग मठ का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बताया है, जंगल के बीच में, घनघोर जंगल हो, बहुत सारे पशु पक्षी हो, जंगली जानवर हो, उनके बीच में भी योग मठ नहीं बनाया जाना चाहिए ताकि योगाभ्यास में जब यहाँ बनाए तो विघ्न बाधा बहुत अधिक आती है, इसलिए विशेष रूप से कहा गया है। साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, राजधानी में जहाँ लोगों का आना जाना बहुत अधिक हो, अर्थात कोलाहल बहुत अधिक हो, उस स्थान पर भी योग मठ का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे स्थान पर, दूर देश में, जंगल के बीच में, राजधानी में, ऐसे स्थान पर यदि योगाभ्यास करेंगे तो उससे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए महर्षि घेरण बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं, ऐसे स्थानों पर योगाभ्यास करना चाहिए जहाँ पर योग मठ बनाना चाहिए जहाँ पर सिद्धि की प्राप्ति हो। साथ ही आगे घेरण संहिता के पांचवे अध्याय के चौथे श्लोक में महर्षि घेरण कहते हैं, अविश्वासम दूर देशे अरण्य रक्षिवर्जितम लोकारण्य प्रकाशश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जयेत। अर्थात ऐसी तीन महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा करते हैं, ऐसे तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं और वर्जित बताते हैं कि यहाँ योग मठ नहीं बनाया जाना चाहिए। तो कौन कौन से वह तीन? पहला है परदेश में अविश्वास, परदेश में कभी भी योग मठ नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर विश्वास नहीं हो पाता है। दूसरा, जंगल में कभी भी योग मठ नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जंगल में असुरक्षा होती है, जंगली जानवर होते हैं, इसलिए वहाँ भी योग मठ का सलाह नहीं दी गई है। तीसरा है राजधानी में जहाँ बहुत अधिक शोरगुल है, अत्यधिक प्रकाश हो और बहुत अधिक कोलाहल रहता हो, वहाँ भी योग मठ का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तस्मात् त्रीणि विवर्जयेत, अर्थात उक्त तीनों ही वर्जित है, अर्थात उक्त तीनों स्थान पर भी योग मठ का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि योग मठ कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, तो आधुनिक युग में किस प्रकार का बनाया जाना चाहिए। तो पहले हम ग्रंथों के अनुसार पढ़ते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से बताया है। तो हठ प्रतिपिका के पहले अध्याय के 13 श्लोक में स्वामी सत्माराम सूरी जी कहते हैं, अल्पद्वारम रंध्र गर्त विवरम नात्युच्चनीचायतम
सम्यक् गोमय सांद्र लिप्तम मलम निहशेष जंतुंजितम, अर्थात द्वार न छोटा हो न बड़ा हो। योग मठ का द्वार कैसा होना चाहिए? न तो छोटा होना चाहिए न बड़ा होना चाहिए। साथ ही योग मठ में छिद्र ना हो, बिल व सुरंग ना हो, क्योंकि यदि जंगल में बनाया जाता है तो जंगल में कीड़े मकोड़े सांप बिच्छुओं का बहुत ही अधिक वहाँ पर निवास होता है। इस हेतु बिल व सुरंग ना हो ताकि योग साधक अपने योग के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आगे कहा गया है, भूमि न ऊंची हो न नीची हो, अर्थात कैसी हो? समतल हो, ताकि यदि आसन भी करें, शीर्षासन भी करें या कुछ विशेष योगाभ्यास भी करें तो समतल हो तो बहुत अच्छे से अपने अभ्यास को गति दे सकते हैं। साथ ही कहा गया है, गाय के गोबर से लिपा हो। गाय इतनी पवित्र है कि उसका जो गोबर होता है, उसके कंडे बनते हैं, यज्ञ किया जाता है, बहुत ही पवित्र होता है और मृत्यु के उपरांत भी गाय बहुत ही अधिक लाभकारी होते हैं, उनमें देवी देवताओं का वास होता है। इस हेतु गाय के गोबर से लिपा हुआ योग मठ बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। साथ ही आगे कहा गया है, कीड़े मकोड़ों से रहित हो। यदि कीड़े मकोड़े होंगे तो साधना में विघ्न बाधा होगी, इसलिए योग मठ ऐसा होना चाहिए जो कीड़े मकोड़ों से रहित हो, गाय के गोबर से लिपा हो, भूमि समतल हो, बील व सुरंग ना हो, छिद्र ना हो, द्वार छोटा या बड़ा न हो, अर्थात मध्यम हो। इस प्रकार योग मठ की चर्चा की गई है। साथ ही हठ प्रदीपिका के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धे हठाभ्यास भी, अर्थात कुटीर के बाहर मंडप हो, वेदी और बगल में क्या हो? कुआ हो। महर्षि घेरण घेरण संहिता में भी लिखते हैं कि बहुत सारी सुख सुविधाएं ना भी हो लेकिन एक महत्वपूर्ण सुविधा होनी चाहिए, कुआ जिसमें स्वच्छ जल हो। योगाभ्यास के लिए जल की बहुत अधिक महत्ता है। जल से अपना पवित्रीकरण करें, जल से हमारा पवित्रीकरण होता है, हमारे भीतर प्राणों का संचार होता है। यदि हम घुट घुट करके भी जल पीते हैं और भाव करते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, मेरे विचार स्वस्थ हैं, तो हमारा शुद्ध स्वच्छ जल से हम स्वच्छ निर्मल होते चले जाते हैं। साथ ही आगे कहा गया है, प्रकाश का आवागमन हो। कहा भी गया है, सूर्य चिकित्सा भी की जाती है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ रोग बिल्कुल नहीं होते हैं, कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं पनपते हैं, अर्थात प्रकाश का आवागमन भली प्रकार होना चाहिए। साथ ही कैसा होना चाहिए? वहाँ जो योग मठ बनाया गया है वो चारों ओर घेरा लगा दिया जाए ताकि जो जंगली जानवर है या फिर पशु पक्षी हैं अंदर आ नहीं सके। तो ये हुआ महत्वपूर्ण हमारे घेरण संहिता एवं हठ प्रदीपिका के अनुसार बहुत ही श्लोकबद्ध रूप से सूत्र रूप में योग मठ को समझाया गया है। आधुनिक रूप में भी हम अपने घर को योग मठ जैसा निर्मित कर सकते हैं। जब भी हम अपने घर को योग मठ जैसा निर्मित करें तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, योग मठ कैसा हो, योग मठ में क्या होना चाहिए, योग मठ किस प्रकार से हो, स्वच्छ जल हो, प्रकाश का आवागमन हो, ठीक उसी प्रकार हमारे घर में भी प्रकाश का आवागमन हो, तो इस प्रकार से बनाए जाने पर हम अपने वर्तमान काल में कलयुग में भी अपने घर को योग मठ बनाकर हम योगाभ्यास कर सकते हैं और उच्चतम सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। आगे बतलाया गया है घेरण संहिता के 5वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में महर्षि घेरण लिखते हैं, वापी उपतड़ागम च प्राचीर मध्यवर्ती च नात्युचम नातिनिम्नम च कुटीरम कीटवर्जितम,
अर्थात कुआं, जैसा अभी बताया गया है, कुआं समीप हो जिसमें स्वच्छ जल हो, और जो भूमि हो ना नीची हो ना ऊंची हो, समतल हो, तथा साथ ही कीड़े मकोड़े वहाँ पर बिल्कुल ना हो, ऐसे कुटी का निर्माण करना चाहिए। साथ ही आगे कहा गया है, साम्य गोमय लिप्तम च कुटीरम तत्र निर्मितम, अर्थात ऐसी कुटी का निर्माण करना चाहिए जो गोबर से लिपी गई हो। आजकल हम आधुनिक युग में भी देखते हैं ऐसी कुटी का निर्माण किया जा रहा है, और मनुष्य आज स्ट्रेस तनाव से बहुत अधिक गिर गया है और शांति की तलाश में है, तो वह ऐसी ही कुटी में जाने को इच्छुक है जो गोबर से लिपा गया है और जहाँ मन शांत होता है, ऐसे स्थान का चुनाव करने को कहा गया है। एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामम समभ्यसेत, ऐसे स्थान का चुनाव करने पर प्राणायाम बहुत ही अच्छे से होता है और हम बहुत ही श्रेष्ठ योगाभ्यास करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने योग मठ के कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उनको बहुत ही भलीभांति विस्तार से समझा। अब आप सभी इस वीडियो को बहुत ही गहराई से तन्मयता से सुना। अब क्रम आता है प्रश्नोत्तरी माला का। सबसे इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए। जैसे पहला प्रश्न है, घेरण संहिता के रचयिता कौन है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्वामी स्वात्मराम, दूसरा आचार्य रामानंद, तीसरा महर्षि पतंजलि, चौथा महर्षि घेरण। तो इसका उत्तर आपको यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना नाम लिखिए और इन उत्तरों को जरूर लिखकर भेजिए। साथ ही कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, दूसरा प्रश्न भी आप कीजिए, और तीसरा है श्लोक रूप में लिपिबद्ध किया गया है, सुदेशे धार्मिक राज्य। अब इसके आगे श्लोक ही है, उसको आप देख सकते हैं क्या आएगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से पीछे बैक जाइए, फिर से इसको देखिए। बार बार देखने पर आपको बहुत अच्छे से इसका अभ्यास हो जाएगा और आप इसका उत्तर देख सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर लिखिए कि अगला जो वीडियो है वह क्या होना चाहिए, और हमारे योगा एवं अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल पर योग संबंधित, वैकल्पिक चिकित्सा संबंधित ज्ञानवर्धक बहुत सारे वीडियो हैं और बने हुए हैं। यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जो हमारे भारतवर्ष का जो योग ज्ञान है सभी को मिलता रहे और सभी इससे लाभान्वित हो। साथ ही हमारी एक योगामृतम योगा नेट गाइड, डॉक्टर अमृतलाल जी गुरवेंद्र के अथक प्रयासों से निर्मित की गई है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। यह आपको बहुत ही, इसमें हठ योग, योग घेरण संहिता, हठ योग, योगाभ्यास, विभिन्न तरह के महर्षि पतंजलि सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, सभी का निचोड़ आपको इसमें मिलेगा। आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।